प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लौट रही स्वसहायता समूह की महिलाओं की बस पुलिया से भिड़ी, 5 घायल। शिवपुरी में स्वसहायता समूह की महिलाओं से भरी हुई बस पुलिया से जा टकराई, बड़ा हादसा होने से टला, 5 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, सभी का अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार स्वसहायता समूह की 25 से 30 महिलाएं बस में सवार होकर श्योपुर के कराहल तहसील के अंतर्गत स्वसहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। बता दें कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीतों को छोड़ा है। इसके बाद महिलाएं जब स्वसहायता समूह के कार्यक्रम में जा रही थी, तभी जाम के कारण बस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद जब वापस आ रही थी तो परीक्षा के पास ड्राइवर बदल गया, दूसरे ड्राइवर ने बस चलाना शुरू किया। इसके बाद खोर घाट की पुलिया में ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर पुलिया को में बस को जा टकराया। इसके बाद आगे बैठी महिलाओं को ज्यादा चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि बस में बैठे हुए व्यक्ति ने बताया कि परीक्षा का पर ड्राइवर बदल गया था, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसके चलते उसने दूसरे ड्राइवर को बस दे दी। वो कम चलाना जानता था। इसके बस में खोर खार पुलिया में बस जा टकराई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मेरा नाम मोहर सिंह जाटव, खरईवाड़ से। खरईवाड़ जी। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एक्सीडेंट सर ये खोरगार की पुलिया पे हुआ है। कैसे? जो गाड़ी वाला ना, महिलाएं गई थी उसमें प्रोग्राम में, तो वहाँ से रिटर्न होते हुए उन वहाँ से डोबा बलुआ से रिटर्न हुए थे। नहीं, वहाँ नहीं पहुँच पाए थे क्या, कि गाड़ियाँ वहाँ से वापस होकर आ रही थी, जाम ज़्यादा लग गया था, तो वहाँ से वापस हो गए। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम? जी सर, जी सर। फिर वहाँ से सर हमने ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा गाड़ी चला रहा था, उससे मना भी किया था कि भैया थोड़ा कम चलाओ, वहाँ से उसने स्लो की, और यहाँ पे आके परीक्षा आके पता नहीं उसने शराब पी ली थी या क्या, उसके मुँह से स्मेल भी आ रही थी, और वहाँ से फिर उसने एक दूसरे ड्राइवर को दे दी गाड़ी। बस ऐसे ही पता नहीं है वो कम जानता था चलाना या क्या चक्कर है, तो उसने आकर पुलिया पे आके, इधर सामने से एक ट्रैक्टर जा रहा था, उधर से एक बाइक वाला भी आ रहा था, पता नहीं उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने पुलिया में जाकर ठोक दी सीधी। कितने लोग थे उसमें? सर 25-30 लोग थे। सभी को चोट आई है? कुछ को थोड़ी थोड़ी चोट आई है, हम 4-5 जनों को, दो को इनको ज़्यादा चोट आई है, और हम दो व्यक्तियों को थोड़ा हाथों में लगी है, हमारे इसके मुँह में लगी है। सर बस की तो जानकारी नहीं है, मतलब बस तो अभी उसी इस टाइम वहीं पर रखी हुई है। दुलारी कहाँ से आ रहे थे आप? हम गए मोदी के। कितने लोग गए थे आप? हम लग गए, गाड़ी भर रही बच गई। हाँ हाँ। तो कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ? अरे वहाँ पुलिया में दे दी वाने, वो गाड़ी चला रहा उसमें था, पलट गई। हाँ पलटी नहीं, नो ही बढ़ा दी, बैठ गई। हाँ तो आप लोग आगे बैठे थे? हाँ जी आगे बैठी, मैं बीच में बैठी, जी तीन बैठी, सबने आगे मैं आती, सबसे आगे आती। हाँ तो कितने लोगों को चोट आई? तीन को आई है, एक जे रही, दो जे हैं। ड्राइवर भगया गया? ड्राइवर है वो पकड़ लिया। कब की घटना है? अब जी 1 बजे की। सभी लोग कोरगार के निवासी थे? सभी कोरगार के। कौन लेके गया था आप लोगों को? लेने गया थे। कौन लेके गया था? हमें खानसर लेके गया। खानसर? नहीं फोन करा था हमका, खानसर ने फोन करा था। सभी लोग तो सभी लोग आ जाओ, 4 बजे समूह की सदस्य। खेती बाड़ी करते हैं अपन। कोई रोजगार वगैरह नहीं करते काम? रोज बगैर रोज अपन खेती बाड़ी में से नहीं निभा, तो रोज कहाँ से करेंगे अपन? भी विचित्र बात है यार। कहाँ से आ रहे थे? बहुत यहाँ से आ रहे थे, नहीं यहाँ से मोदी की रैली। कितने लोग गए थे? कहाँ रहती हूँ? कोरगार। जी एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे माने बहुत बजाई बस मना करी थी। कहाँ से आ रहे थे आप? मोदी जो गाँव में से। मोदी की गाँव में। कहाँ पे आ रहे थे आप? गाँव पे ही हमारे, तो कोरगार। कोरगार लौट के आ रहे थे। घटना कहाँ पे हुई थी? घटना कैसे? मना करी थी कि तुम मत चलाओ ज़्यादा, मत चलाओ ज़्यादा, और माने बस ज़्यादा चलाई आई तो पुलिस जाओ। कितनी महिलाएं थी उसमें? उसमें मैं ना आती 10-12 पूरे 25 जने आती। चल भाई तुम आ जाओ। सभी को चोट आई है? सभी को नहीं, आज 3 है। 3 को ज्यादा आई है? कहाँ की रहने वाली है? कोरगार की रहने वाली है। ये कोई परिवार की है।